नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर वी षणमुगम ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में हरिद्वार जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और एसएसपी परविंद सिंह डोबाल समेत जिले के सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर वी षणमुगम ने बताया कि हरिद्वार जिले की रिव्यू बैठक में चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। हरिद्वार जनपद में नोडल स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में ईवीएम मशीन भी मंगा ली गई है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जो ये नए मतदाता चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज हम लोग हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू किया है। इसमें रिव्यू मीटिंग में हमारा डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, उनका पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर्स थे। हम लोग इसका इनका इलेक्शन के प्रिपरेटरी वर्क के बारे में हम लोग पूरा रिव्यू किया है। अभी इनका हर नोडल ऑफिसर का नियुक्ति हो चुका है और इनके पास ईवीएम प्राप्त मात्रा में है, उसका एफएलसी वगैरह भी हो चुका है। और इनके एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए, एमसीसी मॉनिटरिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए मैन पावर वगैरह इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और आईटी एप्लीकेशन का भी ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल बनाया गया है। और हम लोग लो वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए डीएम साहब के तरफ से और उनका टीम का ये बताया गया है कि जो जहाँ का जहाँ वोटर टर्नआउट लो रहा है उस एरिया में फोकस करने के लिए उन्होंने पूरा प्लान बनाया है। वोटरों की संख्या में इजाफा हो, वोटिंग प्रतिशत इस बार बेहतर है। सो हम लोग हमेशा हमारा स्वीप एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग ज़्यादातर वोटर का एनरोल करने के लिए हम कोशिश करते हैं। सो हम लोग खासकर नया वोटर्स 18 टू 19 इयर्स को हम लोग फोकस करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए हम अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग एक्टिविटी बनाते हैं। जैसे हम लोग सोशल मीडिया का भी यूज़ करते हैं, नुक्कड़ नाटक और गांव में चौपाल वगैरह भी करते हैं और टीवी और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हम प्रयोग करते हैं। हमारा कैंपस एम्बेसिडर्स हैं, उनके थ्रू भी हम लोग काफ़ी स्वीप एक्टिविटी करते हैं। और हमारा जितना भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के थ्रू भी हम लोग, जैसे शिक्षा डिपार्टमेंट है, आंगनवाड़ी है, इनके थ्रू भी हम लोग तक पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। और नगर क्षेत्र में जो अर्बन एरिया में अर्बन वोटर्स को करने के लिए RWD जैसे रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन वगैरह से भी हमारा टीम मीटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग का मोटिवेट कर। वक्त हो चला है आप सभी लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।